बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सवेरे, क्योंकि आज हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड में, और देवभूमि उत्तराखंड से मैं आपको आज ब्लॉग बना करके दिखाऊंगी। और आज जा रही हूँ मैं अपनी मौसी के यहाँ। सर्वप्रथम मैं आपको नरसिंह भगवान के दर्शन करा दूँ, और नरसिंह भगवान के दर्शन के साथ साथ जोशीमठ का थोड़ा नज़ारा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गए हम मौसी के यहाँ, और ये है मौसी। मौसी अभी भट छांट रही वाला, तुमको भट का चुरकने खिलाती हूँ मैं। ये है मौसी, बैठ रखी है। गढ़वाली डिश है ये? हाँ, गढ़वाली डिश है मौसी। और हमारी बुआ जी गढ़वाली डिश बहुत। ये छोटी बहन है मेरी, अब ये बताएगी। ये मेरी बुआ जी है, मतलब कवितास ब्लॉक की मौसी। हाँ। और ये भट का चुटकाने क्या कुछ भी चीजें गढ़वाली डिश बहुत अच्छा बनाती है। तो अभी हम इनका हाथ के टेस्ट लेंगे और आपको टेस्ट बताएंगे। हाँ। कि कितना अच्छा टेस्ट में बनाती है ये। और ये मेरी है छोटे भाई की बुआरी। और हम लोग अब मौसी के यहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखे दे आगे आप बने रहिए कि क्या क्या होता है। ये है मेरी मौसी का पांडा, बहुत अच्छा डॉगी है ये, इसका नाम है पांडा, देखो। और ये है यहाँ का व्यू, ये देखिए सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है, और पहाड़ियों के ऊपर लगा हुआ है बादल, सुंदर सुंदर बादल। आज मौसम बहुत अच्छा है जोशीमठ का, ये देखिए। और इस तरफ को है ये ओली का, ये सीधा रास्ता जाता है ओली के लिए। और यहाँ पे ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, चूली के हैं, अखरोट चूली सब कुछ अभी लगे हुए हैं, लेकिन कच्चे हैं, खाने के लिए तैयार नहीं हुए अभी। हम तीनों यहाँ पे सुन रहे हैं लेवड़ा, आज बन रही है हमारे लिए लेवड़ा की सब्जी। क्यों आज पूरा गढ़वाली है, पूरा गढ़वाली डिश है, सब्जी से लेके और पुराने जमाने का साग, साग भट का चुटकाने, भट का चुटकाने, काले भट का चुटकाने, और घर कुटे चावल। अभी ये भाभी ना ओखली में कूट के लाई थी घर कुटे चावल, वो थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, नहीं तो आपको वो भी दिखाते कि कैसे कूटते हैं, छानते हैं और फिर बनाते हैं, तो खा के जरूर बताएंगे हम आपको कि कैसी हो रही है हमारी गढ़वाली डिश। और आप लोग भी बनाना इस तरीके से। आजकल तो लेंगड़े का सीजन है, अब एंड पे है लेंगड़ा, इसके बाद तो नहीं मिलेगा, है ना? अभी अगले साल मिलेगा। हाँ, तो इस सीजन का लास्ट है, हमारा सौभाग्य कि हमको लास्ट मोमेंट में भी मिल रहा है। मिल रहा है, सही बात है। छक्क हमने तो नहीं खाए जाता, छक्क जी आ रहा है यार, पर खाया ये उतना नहीं खाया हमने, देहरादून में कहाँ उतना जाता, अभी हम लोग इधर खाए ये देहरादून यार, भी उनसे बहुत बड़े लागण तो ताने भी रही नहीं ना वो लाट टाउन दो तू का बनू जाली है ना। अरे ये मैं सर मुंड तो नहीं चोर गुम, ये उरगुम उरगुम था मैं तो सो तो उरगुम के लिए उड़े। अरे बियाह तो मैं हॉस्पिटल नीचे बियाह, तो हॉस्पिटल में दिखे नहीं, मैं गई नहीं, ये तो वो फिर ओ मेरे को ऑफिस में तो बियाह ना थोड़ते ही बियाह में ऐसे चेक चेक सो मैं बोला ये गाड़ी के बनाई हो। ये है मेरी मौसी का किचन, छोटा सा किचन, ये देखिए। अरे मौसी बना रही है हमारे लिए चुड़कानी, ये देखिए भट चुड़का दिए मौसी, ये भट चुड़का करके रख दिया है मौसी ने। और अब डाल रही है प्याज लहसुन का तुड़का, और चुड़कानी जब कंप्लीट बन जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मौसी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और मौसी मौसी लोगों का वो भी है ना मौसी, ऊपर लामरी में क्या है पॉली हाउस भी है, पॉली हाउस आपको दिखाएंगे। नहीं नहीं वो गेस्ट हाउस है, क्या गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस भी है ना। आप लोग जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको मैं पक्का गेस्ट हाउस का भी दिखाऊंगी। और मेरे मौसा जी गाइड भी हैं, बहुत पुराने गाइड है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी यहाँ पे मौसा जी है नहीं, वो सब मैं आपको ओली में जाके बताऊंगी, है ना। लाइसेंस है, सब चीज़ें, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दूंगी मौसा जी का। अगर आप लोग ओली क्वारी पास इधर कहीं भी
घूमने आओगे, घूमने ट्रैक की बहुत सारी जगह है यहाँ। बर्फ में स्कीइंग का भी उनका अपना वो है, और वो बताएंगे आपको। मौसी, तुम्हारे गेस्ट हाउस का नाम क्या है? चित्रकाठा। अच्छा, चित्रकाठा इनके गेस्ट हाउस का नाम है। चित्रकाठा होम स्टे, मुझसे पूछना। अच्छा, गेस्ट हाउस नहीं है ना? हाँ, ये रोशनी बताएगी, मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं, नया नया बना हुआ है। लोअर ऑली में है, चित्रकाठा होम स्टे करके है। बहुत सुंदर, बहुत ही नेचुरल जो होता है ना, प्रकृति की गोद में, तो वो सीन वहाँ पे फील करोगे आप, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ वहाँ पे, मेरे ब्लॉग में आप देख लीजिएगा। और एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे बैठे हमने बहुत सारी मस्ती की। वो दिखाएंगे हम वहाँ जाके, मुझे जाना है वहाँ, चित्रकाठा जाऊंगी मैं, और आप लोगों को प्रॉपर वहाँ का सब कुछ दिखाऊंगी, और वहाँ के बारे में मैं वहाँ जाके ही आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आप भटका चुरकाड़िया खाना, और मैं आपको खिलाऊंगी दिखाऊंगी। बैठ चुके हैं हम खाना खाने के लिए, खाना बन गया है। मौसी ने बना रखा है घर कुटे चावल और चुरकानी, और उसके साथ बना रखी है ये पुदीना चूली, और सब मिक्स है इसमें, हरा धनिया चटनी, और ये बना रखा है लेमड़े की सब्जी, और ये काट रखी है ककड़ी, और ये है रायता। आज सब कुछ डिश बना रखा है मौसी ने, गढ़वाली डिश, ये सारा गढ़वाली डिश है। ये देखे चुरकाने की कढ़ाई, चुरकानी बना रखी है मौसी ने लोहे की कढ़ाई में, ना मौसी, लोहे की कढ़ाई में टेस्टी होता है। चटनी में एक चीज मिसिंग कर दी है आपने, क्या चीज? इसमें चूली का सुखसुआ है। हाँ, वही तो, चूली का तो बोल तो देता मैंने, चूली का सुखसा डाल रखा है, ये है, और बहुत रोशनी बताएगी की रोशनी ने तो खा दिया है, मैंने तो अभी खाया नहीं है की कैसा और का खाना। रायता भी बहुत मस्त दिख रहा है, रायते में मौसी ने डाल रखा है अपने हाथ का पिसा हुआ लून। ये है नानी, पिसु लून ने। जमीन में बैठ कर खाने का मजा ही कुछ और है, जमीन पुरानी आनंद भारतीय से। ये समय ये दिन में ना अपन बैठो, हमारे पौराणिक बोल, मौसी निकाल रही, मौसी का निकाल चलो, मौसी क्या बोल रही। ये हमारे पौराणिक प्रथा थी, बेटी के खाना, बेटी के खाना आ दिन वो चम्मचल खाना चो सुस्वाद नहीं, जो कौन हाथ स्वाद चम्मच स्वाद को नहीं पुरानी धरोहर को भी सरेगा, धीरे धीरे अपन संस्कृति लिप्त करना चो, अपन मोट लाओ, अपन मोट खाना सीखा, अपन गढ़वाल नहीं बिसारा, गढ़वाल प्लायन नहीं करा, अपन धरोहर को बरकरार कर। मौसी ने जो कहा सही बात कही है ना रोशनी, सब बढ़िया कहा। अरे लौट के कोरोना काल से तो काफी, हाँ, कोरोना काल से तो लोग सब लौट के पहाड़ में आ गए, अपने गांव गांव चले गए, जिनके गांव कुछ भी नहीं था उन्होंने भी अब घर बना, काफी कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया है। जो सुकून पहाड़ में है वो शहरों में नहीं है। जो पानी रही हमारे को तुम लोग फ्रिज पियाना, हमारे भी फ्रिज को ठंड पानी, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। मौसी के यहाँ पहाड़ी खाने के साथ मौसी ने पहाड़ी टोपी भी रखी हुई है, और खाना पहाड़ी बोल तो टोपी भी पहाड़ी है ना, पूरे फील के साथ, बिल्कुल पहाड़ी फील। एक गाना गाऊं मैं? बिल्कुल रोशनी, एक गाना गा तो भाई, भाई गा भाई, तू तो वैसे भी पर भल सजदी टोपी पहाड़ी गड़ाली आना, बहुत बढ़िया टोपी को देख करके, एक ही लाइन याद आई मुझे, पहाड़ी टोपी पूरा फील के साथ खा रहे हैं, सच में बहुत मजा आ रहा है। लास्ट में मैं बैठ चुकी हूँ कढ़ाई में खाने के लिए, मेरा तो फेवरेट है कढ़ाई। अब हो चुका है शाम का समय, और बज चुके हैं 5। मौसी बना रही है हमको चाय के साथ पकोड़े। अब पकोड़े में पता नहीं क्या क्या मिक्स किया, क्या क्या डाला मौसी तूने पकोड़ों में? इसमें मैंने प्याज डाला, आलू डाले, लाल मिर्च डाली, राई डाली, और इसमें थोड़ा पुदीना डालूंगी, बेसन, बस इसी से अब हम बनाएंगे पकौड़े। टेस्टी टेस्टी पकौड़े बना रही है मौसी, अच्छे अच्छे पकौड़े। और जब पकौड़े बन जाएंगे तब मैं आपको मौसी के हाथ के पकौड़े दिखाऊंगी।
चूड़ी की चटनी भी तो बची है। हाँ उसके साथ मौसी की पकौड़ी बन चुकी है और चाय भी बच्चे खाने के लिए रेडी है। ये देखिए सब बच्चे आ चुके हैं और बैठ चुके हैं पकौड़ी खाने के लिए। और मैं मौसी की पकौड़ी भी आपको दिखा, ये देखिए मौसी ला चुकी है चाय पकौड़ी और उसके साथ चटनी और सब आनंद लेंगे। मौसा जी भी पहुंच चुके हैं ओली से और ये है यहाँ पे बैठे हुए हमारे मौसा जी, अभी बहुत थके हुए हैं। करने वाली हूँ और रोशनी ने तो सबसे पहले ट्राई किया और यही ट्राई करके बताएगी कि पकोड़ों का टेस्ट कैसा है। रोशनी बता कैसे मास्टर साहब नेक्स्ट। हाँ ये देखो अच्छा और का ना लो सब बचलांसी टेस्ट करो बेटा कैसा हो रहा बताओ। तुम पहली बार आ रहे हो मेरे ब्लॉग में अंशी लोग, ये मेरे भाई की बेटी है, कैसा हो रहा अंशी? अच्छा टेस्टी है बेटा। और ये तो आपको डेली ही दिखता होगा पिटने वाला बच्चा है। और ये है मिष्टी, मिष्टी बताओ बेटा कैसा हो रहा पकौड़ा, टेस्टी है ना? तो चलो हम सब लोग, ये ओम भी आ चुका है खाने के लिए है ना, चल खाओ ओम तू भी खाओ। सब सोम इधर आ जा बेटा, सब बच्चे टूट पड़े हैं पकौड़ों पे। ये है सोम, इस तरीके से सब बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और मैं भी अब खाऊंगी पकोड़े। पकोड़े खाने से पहले मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग क्या करें रोशनी, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें है ना, बेल आइकन दबा दें। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल दोस्तों, फिर मिलते हैं नई ब्लॉग में।